नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शाह, जो सूरत की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। अनीता जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में अभी कैंसर वीक चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हमने आज जो प्रोग्राम रखा है, जो अवेयरनेस शो रखा है कैंसर वीक, और इसके अंदर हमने रखे हैं कि महिलाओं में अभी हो रहे हैं विविध प्रकार के कैंसर, और ज़्यादातर मात्रा में अभी हो रहे हैं महिलाओं में कैंसर। तो खासकर वुमेंस डे भी आ रहा है, तो इसी के अंतर्गत भी ये प्रोग्राम हो रहा है, और कैंसर वीक भी चल रहा है। तो महिलाओं के लिए खास जानकारी देने के लिए कि कैंसर कैसे होता है और लक्षण भी कैसे होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि कैंसर होने के बाद महिलाओं को किस तरह से पता चलेगा कि नहीं चल रहा है, अगर चला तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये सब आज जानकारी हमें यहाँ से अनीता जी देंगी। तो अनीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आप सूरत में काफ़ी सालों से एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रही है, तो थोड़े से आपके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शक जो शायद नए जुड़े हैं, तो अगर आपको नहीं जानते तो अच्छी तरह से आपको जाने, इसके लिए आपके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। ओके जी, मैं डॉक्टर अनीता शाह सूरत की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 1988 से गायनेक प्रैक्टिस कर रही हूँ सूरत में। मैं सूरत की गायनेक सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, उधना मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, सूरत के कंसल्टेंट एसोसिएशन की सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, और करंटली मैं हमारे ऑल इंडिया लेवल की इंडियन मेनोपोज सोसाइटी जो है उसकी नेशनल सेक्रेटरी हूँ। यामिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टुडे। कि मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि ये वीक हमारा ऑल इंडिया का जो गायनेक सोसाइटी है उसके द्वारा हम अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें मेनली गर्भाशय के मुख का कैंसर का अर्ली डिटेक्शन और उसका स्क्रीनिंग किस तरह से किया जाए उसके बारे में हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए और ये सर्वाइकल कैंसर को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सके, सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर को भी अर्ली डिटेक्शन किस तरह से किया जाए उसके बारे में पूरा अभियान चल रहा है। तो उसके अंतर्गत ये सूरत में मुझे आपने जो ये चांस दिया, तो उसके लिए मैं आपकी खूब खूब आभारी हूँ कि एक पब्लिक अवेयरनेस का मुझे मौका दिया गया है। जी मैम, हमारे चैनल के द्वारा यही ज़्यादातर अवेयरनेस शो ही होते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक को जो चाहिए वो अगर हम हमारे माध्यम से नहीं देंगे तो ये चैनल हमें चलाने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो डिजिटल माध्यम, ये डिजिटल चैनल जो एक्जोटिक वेब मीडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड है, और डिजिटल में कहा जाए तो ये शायद इंडिया की फर्स्ट चैनल ऐसी होगी जो 2 साल पहले मैम शुरू की गई है। और अभी तक 45 लाख के ऊपर हमारे यहाँ व्यूअर्स हो चुके हैं, और हमको भी इतनी खुशी होती है कि लोग हमें कहते हैं कि मैम ऐसे प्रोग्राम करिए आपकी, जिस तरह से हमें इसका हम उसका फ़ायदा ले सके। तो हमारी भी पूरी तरह से यही इच्छा रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर जनता के लिए शो करें। तो आज यही पे जो बात करते हैं कि फीमेल कैंसर ज़्यादातर कॉमन हो गया है, फीमेल में बहुत सारे कैंसर्स आ रहे हैं, ज़्यादातर स्तन कैंसर होता है लोगों को, बट आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वाइकल कैंसर, जो मैम ने बताया कि उन लोगों की संस्था के द्वारा जो इसके लिए अवेयरनेस की जा रही है, तो हम भी आज उनसे बात करेंगे कि आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो आज की सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो मैम पहले बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। यामिनी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि फीमेल में यानी स्त्रियों में किस प्रकार के कैंसर ज़्यादातर होते हैं। उसमें एक है सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर, गर्भाशय की दीवार का यानी यूट्राइन कैंसर, अंडाशय का कैंसर,
और योनि मार्ग का कैंसर। जी अभी मुझे बताते हुए ये लगता है कि यूजुअली अपने देश में पहले सर्वाइकल कैंसर, अपना देश डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर वॉज द वेरी फर्स्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन अवर कंट्री, बट नाउ इट हैज टेकन सेकेंड प्लेस। अभी हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे आगे आ गया है और सेकेंड नंबर का सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर को हम क्यों अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको क्यों प्रिवेंट करने की हम लोग भी जुम्मेस चला रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरे कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, हम उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आज आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, उसकी जानकारी मिली जाती है, तो उसको पूरी तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और महिला की जिंदगी सुधार सकते हैं। पर सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सर्वाइकल कैंसर किस तरह से होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का मुख, ये गर्भाशय का सबसे लोअर मोस्ट यानी कि सबसे नीचे का भाग है और वो योनि मार्ग से हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। सो सर्विक्स यानी कि गर्भाशय मुख ही एक ऐसा अंग है जो दूसरे अंगों के कंपैरिजन में इजीली बाहर से हम देख सकते हैं। तो व्हेनेवर अ गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन्स अ वुमन, कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट किसी लेडी को चेक करती है तो परस्पेक्युलम एग्जामिनेशन के जरिए गर्भाशय के मुख को विजुलाइज कर सकती है। अब ये गर्भाशय का मुख का जो कैंसर है वो यूजुअली गर्भाशय के मुख के अंदर के लेयर से शुरू होता है। गर्भाशय के मुख के ऊपर जो कोशो होते हैं यानी सेल्स जो, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन कोई कारण सर कभी वो सेल की जो चेंजिंग प्रक्रिया है उसमें कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ जाता है तो वो एबनॉर्मल तरह से ग्रो होते हैं और उसमें फिर बाद में सर्वाइकल कैंसर का प्री कैंसरस कंडीशन में कन्वर्जन होता है और फिर उसमें कैंसर डेवलप होता है। अभी ऐसा स्टडीज द्वारा पता किया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के जितने भी केसेस डिटेक्ट होते हैं उसमें मोर देन 90% में HPV वायरस का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है। HPV वायरस का इन्फेक्शन ये एक ऐसा इन्फेक्शन है कि यूजुअली वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से ट्रांसफ़र होता है और ऐसा माना जाता है कि एवरी वुमन यानी हर स्त्री को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ये कैंसर यानी HPV वायरस का इन्फेक्शन लगता ही है। बट उसमें से 80% में अपने आप अच्छा भी हो जाता है। जैसे हम लोग वायरल इन्फेक्शन कभी देखे तो सर्दी जुकाम भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी हम कुछ भी दवा नहीं लेंगे तो भी 3-4 दिन में वो अपने आप अच्छा हो जाता है। तो उसी तरह ये HPV वायरस का इन्फेक्शन जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो वो भी इस प्रकार से हर औरत को अपनी लाइफ स्पान में कभी ना कभी होता ही है, पर 80% में वो अपने आप क्योर हो जाता है। उसमें से लगभग 10-20% में वो प्री कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट होता है और उसमें से 7-10% में कार्सिनोमा यानी कि कैंसर डेवलप होता है। तो अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया गया तो उसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंसिडर करें तो हर 2 मिनट पे एक औरत दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु पामती है और अनलकीली 4 औरतों में से एक औरत इंडियन है। ऐसा स्टडीज द्वारा डिटेक्ट किया गया है। हम बात कर रहे थे कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, मतलब किस तरह से ये होता है, कितनी मात्रा में होता है वो भी हमने शायद बता दिया है और साथ में किस तरह से होता है वो भी मैम ने बताया है। दर्शक मित्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिएगा और साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन के को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आप जितने भी अवेयरनेस शो है, न्यूज़ है, और काफ़ी सारी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा भी दी जाती है, तो वो सब आपको ज़रूर इंस्टेंटली अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको मिल सकती है। तो मैम आगे चलते हैं कि किन महिलाओं में ये ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर होता है। बराबर जी, सर्वाइकल कैंसर यूजुअली जो महिलाओं में HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है, यानी ये चेप लगता है, उसमें कॉमनली होता है। जी। दूसरा, जो अर्ली एज में प्रेग्नेंट होते हैं, यानी बहुत जल्दी, हम देखते हैं कि कई जगह में बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है, छोटी उम्र में माँ बन जाते हैं, तो बहुत कम उम्र में जो फीमेल, यानी जो औरत माँ बनती है, यानी जिसको प्रेगनेंसी रहती है, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉपर कैंडिडेट उसमें, जिसमें ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, जो औरत एक आदमी के सिवा ज़्यादातर आदमियों के साथ संभोग करती है या रिलेशनशिप रखती है, उसमें ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर जो औरतों स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है, टोबैको च्यूइंग करती है, उनमें भी ये सर्वाइकल कैंसर के केसेस ज़्यादा जाने माने देखे जाते हैं। और जिसकी इम्यूनिटी डाउन है ड्यू टू एनी अदर इलनेस, तो उनमें भी ये ज़्यादातर देखा जाता है। अने इसीलिए ओनली कि ये डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें ये चीज सोशियो इकोनॉमिकल लेवल जो थोड़ा लोअर होता है, ऐसी महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमनली देखा जाता है। जी जी, अभी सर्वाइकल कैंसर को हम सबसे पहले कैसे जान सकते हैं, यानी स्क्रीनिंग उसका किस तरह से किया जाता है? जी, हर चीज़, हर बीमारी, जैसे हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे में भी कभी वो डायबिटीज़, शुगर लेवल हमारा ज़्यादा हो सकता है, तो हम अपना शुगर टेस्ट करते हैं कि हमको ब्लड शुगर हमारा ज़्यादा है कि नहीं, हमको डायबिटीज़ होने की गुंजाइश है कि नहीं। उसी तरह ये सर्वाइकल कैंसर का भी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। जी, और उसको बट पहले मैम मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी आपको। हाँ। स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में हम बताते तो है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को शायद ये पता ही नहीं है। हाँ, एजुकेटेड जो महिलाएं हैं उनको तो पता है कि स्क्रीनिंग क्या होती है और किस तरह से स्क्रीनिंग की जाती है। तो पहले मैं चाहूँगी आपसे कि आप बताएं कि पहले स्क्रीनिंग है क्या। या जी, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है यामिनी जी, जी, कि कोई भी बीमारी को हम, जैसे कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज में जान सके जी, ताकि हम उसका प्रॉपरली इलाज किया कर सके जी, तो उसको स्क्रीनिंग बोला जाता है जी। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल है जी, पर हमारे देश में महिलाएं क्यों ये स्क्रीनिंग के लिए हिचकिचाती है जी, उसके लिए एक तो हमारे देश में लोगों को ये स्त्री का प्रजनन अंगों के बारे में पूर्ता नॉलेज नहीं है जी, साथ साथ में सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग ऐसी कोई चीज है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ये अपनी हेल्थ सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, वो भी एक कारण है। काफी तो डर भी जाते हैं राइट, स्क्रीनिंग एग्जैक्टली जैसे स्क्रीनिंग की बहुत सारे मतलब स्क्रीनिंग जैसे बोलते हैं तो एक वर्ड ऐसा है कि जिसे अगर बोल कहीं भी लिख के भी दे देते तो शायद महिलाएं घबरा भी जाती है काफी तरह से। राइट राइट, क्या मतलब हमें चेक करवाना पड़ेगा, right, क्या right. होगा इससे? यस एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द फीमेल ऐसा ही समझते कि कैंसर मींस कैंसर जी और इसीलिए हमें से डरते हैं कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी चेकअप कराने के लिए, डॉक्टर कुछ मुझे बोलेंगे कि मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है, और फिर उसको वजह से मुझे कुछ तकलीफ होगा, मेरा मृत्यु होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह बहुत सारे उनके दिमाग में विचार आते हैं और उनको डर रहता है। और दूसरी बात कि हमारे लोगों में, हमारी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेटेड है उसमें फीमेल को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है। ऑफ कोर्स नाउअडेज द सिनेरियो हैज चेंज्ड और अभी तो स्त्री पुरुष के समान बन रही है जी, जी, और सब लोग में समझ भी इतनी आने लगी है, सब एक्सेप्ट करने राइट राइट। देन ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि महिला अपनी इलनेस या अपनी बीमारी लास्ट में कंप्लेन करती है, उसका सहन शक्ति का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत सारी तकलीफ तो सहन कर लेती है और लास्ट में ही अपने
फैमिली मेम्बर्स को बताती है। जी। तो हियर मेरी ऑल फैमिली मेम्बर्स यानी कि महिलाओं के पति भाई पिताजी सबसे भी वही एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर में जो भी स्त्री है चाहे माता हो बहन हो बहू हो बेटी हो उनका पूरा अच्छी तरह से ध्यान देना उनकी संपूर्ण जवाबदारी है क्योंकि एक हेल्दी वुमन ही हेल्दी सोसाइटी बना सकती है और अपने देश को वो आगे प्रोग्रेस उसका करा सकती है। जी जी। अभी सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में बताऊं तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, हम उसको पैप टेस्ट बोलते हैं। जी। और पहले हम लोग कन्वेंशनल पैप टेस्ट करते थे तो हम हर महिला को एवरी ईयर वो टेस्ट करने के लिए सलाह देते थे। जी। अभी उसमें थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी LBC पैप टेस्ट का कहते हैं और उसके एक बार करने के बाद में हम उसको 3 ईयरली रिपीट करने की सलाह देते हैं। जी। अभी यामिनी सबसे पहले तो हम दर्शक मित्रों को ये बताना चाहेंगे कि पैप टेस्ट किसको करानी चाहिए और हाँ। कितनी उम्र से करानी चाहिए। जी, जी, राइट जी, जी। अभी एक्चुअली जब कोई स्त्री सबसे पहला सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहे उसके पहले अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए जी। तो सॉरी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे उसके शुरुआत के 3 साल में ही अगर वो टेस्ट करा ले तो सबसे बढ़िया है। अदरवाइज यूजुअली वी एडवाइज के मान लो अभी इतना अपने देश में लोग नहीं समझेंगे तो 35 ईयर्स के बाद में तो हम हर औरत को चाहते हैं कि उनको पैप टेस्ट करवानी चाहिए। जी जी जी। मैं मेरे पेशेंट को यामिनी यही सलाह देती हूँ कि जैसे हम हर साल एनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह हर साल एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना रूटीन चेकअप करवाइए और वो जैसे एडवाइस देती है उस तरह से आप वगैरह स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाइए। अभी 35 ईयर्स के बाद में जो ये पैप टेस्ट करते हैं LBC पैप टेस्ट अगर की जाती है तो वो हम 3 ईयर्स पे रिपीट करने की सलाह देते हैं। अगर पैप टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके जरिए हम उसको रिपीट करने की भी सलाह देते हैं। सर्वाइकल पैप टेस्ट के बाद में अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है तो साथ में हम उसको HPV टाइपिंग भी करना का सलाह देते हैं। दूसरा हम सबको दूसरी उसकी जो आगे एडवांस टेक्निक जो है जिसमें हम कोल्पोस्कोपी बोलते हैं जिसे हम गर्भाशय के मुख का स्पेशल साधन से ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें से अगर कोई हमको एबनॉर्मलिटी लगती है तो उसके वो पार्ट से हम बायोप्सी भी लेते हैं। सो दीज आर आगे वाली बात है, आगे वाली प्रोसेस अभी है। वो पेशेंट को इतना डिटेल में अभी समझाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। अभी जी। उनको यही नॉलेज होना चाहिए कि उनको पैप टेस्ट कब करानी चाहिए। जी, जी, जी। और कब उम्र कितनी उम्र तक वो करनी चाहिए, करनी चाहिए। ऐसा हम रिसर्च और स्टडी के मुताबिक सबको समझाते हैं कि एक्चुअली पैप टेस्ट अपनी 70 ईयर्स की उम्र तक करनी चाहिए। अदरवाइज लास्ट 3 रिपोर्ट्स अगर आपका नॉर्मल है और लास्ट 10 ईयर्स में आपका एबनॉर्मल कोई रिपोर्ट नहीं आया है तो उसके बाद आप उसको करवाना बंद कर सकते हो। अदरवाइज यू शुड गेट इट डन एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 60-70 ईयर्स। जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है मैम कि ये जो सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसकी मतलब किस तरह की जो टेस्टिंग की बात है, स्क्रीनिंग की बात है, आज बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी आपने दी है। लेकिन मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारी जो मतलब गुजरात की जनता बोले या तो हम आज बात करें सूरत में तो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है तो कई लोग इसी बात से भी डरते हैं कि मैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट या पैप टेस्ट करवाने जाऊँगी तो मुझे खर्चा बहुत होगा, तो थोड़ी सी जानकारी हम वो भी दे दें कि नॉर्मल कितना खर्चे में वो अपना टेस्ट ये सही तरह से करवा सकती है। एक्चुअली जो कन्वेंशनल पैप टेस्ट होता है, एक्चुअली पैप टेस्ट किस तरह से करते हैं वो मैं 2 मिनट समझा दूं। जी जी जी। उसमें इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, उसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप रूटीन अपना गायनेक चेकअप कराने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, उसी तरह गायनेकोलॉजिस्ट आपको पोजिशन दे के गर्भाशय के मुख पर से थोड़ा सेल्स जो होते हैं वो लेते हैं और उसको हम 2 प्रकार से चेक कर सकते हैं कन्वेंशनल पैप टेस्ट में।
हम उसको जी स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं और जी उसका फिर एग्जामिनेशन किया जाता है, और जी साइटोलॉजिकल जो बायोप्सी लेते हैं, एलबीसी पेप्टेस जो करते हैं, उसमें हम उसको स्पेशल लिक्विड जो होता है जो उसका उसमें ये सेल्स को प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन किया जाता है. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट. उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, घबराने वाली बात नहीं होती है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, दूसरी कोई तकलीफ नहीं होती है. कराने के बाद आप अपना रूटीन तुरंत ज्वाइन कर सकते हो. तो इसमें सब महिलाओं को मेरी एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप बिल्कुल डरिए मत, और अगर आपने कभी पैप टेस्ट नहीं करवाई है तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, और अगर आपकी उम्र 35-40 ईयर्स के अप है तो आप ज़रूर पैप टेस्ट करवाइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउडेज वी आर कमिंग अक्रॉस सो मेनी केसेस ऑफ कैंसर्स, एंड यूजुअली ये कैंसर्स, ऑल दिस कैंसर्स यूजुअली अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 40. तो क्या है कि 35-40 ईयर्स के बाद में हम लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40. तो 40 के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है जी. तो हमको फिट भी रहना है जी, और फिट हम तब रह सकेंगे कि जब हम ऑल बीमारियों से दूर रहेंगे, पर रह सकेंगे जी. तो जी. ये जो कन्वेंशनल पेप टेस्ट होता है उसका चार्जेस लगभग 1,000-1,500 रुपया होता है जी, और जी. जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है उसका थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता है, 2,000-2,500 रुपया होता है जी जी जी. पर जैसे हम लोग पार्लर में खर्चा करते हैं, होटल में जाके खर्चा करते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए भी तो खर्चा करना जरूरी ही है. जरूरी है. मैम एक और बात भी कहनी थी कि ये जो हम अगर ज़्यादा इसे करें, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही है, तो ये जो जब स्क्रीनिंग और पेप टेस्ट की जब बात है, तो जिस तरह से कैंप होते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी मतलब ये IMA द्वारा या किसी संस्था के द्वारा क्या इसका कैंप वगैरह होता है क्या? एक्चुअली हम टाइम टू टाइम ये करते हैं जी. यूजुअली हमारी जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है उसके बैनर है थर्ड हम लोग क्लब 35+ चलाते हैं, और उसमें हर 2 साल पे हम हमारे सब मेंबर्स का चेकअप फ्री में करते हैं, और उसमें ये जो पेप टेस्ट, सोनोग्राफी एंड मेमोग्राफी वो सब बहुत कंसेशनल रेट में हम करवाते हैं. इन दैट वे वी आर जस्ट गिविंग हेल्प टू अवर पेशेंट. जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे ही दीजिए कि अगर ऐसा है, अगर किसी को भी चेक करवाना है, तो यहाँ पे भी आप इनकी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा जो हो रहा है कैंप वगैरह, उसमें भी आप करवा सकते हैं जी. तो वो कब होता है उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो अभी तो ये साल तो कोरोना की वजह से वी कुडंट प्लान एनीथिंग, बट नेक्स्ट ईयर व्हेन वी विल प्लान आई विल डेफिनेटली लेट यू नो जी. तो हमारे चैनल के द्वारा आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी, तो ज़रूर अगर आपने नहीं करवाया है तो वहाँ पर भी आप चेक करवा सकते हैं. तो आगे बढ़ते और दोज हु आर नॉट अफोर्डिंग, वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग देम, एंड वी कैन डू इवन कंसल्टेशन आल्सो फ्री ऑफ चार्ज, एंड वी कैन आल्सो डू ऑल दिस विथ मिनिमम व्हाट एवर लैब चार्जेस आर देयर दैट वी कैन डू इट. बहुत अच्छी बात है. मैम इतना सब कुछ कर रही है तो ज़रूर जो डर रहे हैं कि मुझे पैप टेस्ट नहीं करवाना है, मुझे स्क्रीनिंग नहीं करवाना है, तो ज़रूर करवाइए, क्योंकि आपकी हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हम अच्छे हैं, तो हम बहुत कुछ मतलब अपनी दुनिया जीत सकते हैं. तो और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ सही रखें, क्योंकि उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है. सो बेटर कि हेल्थ अपनी सही हो. मैम इसमें हमने जो बात की है कि किस किस प्रकार की स्क्रीनिंग मेथड है, तो वो भी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी आपने बता ही दिया है, लेकिन उनके जो मेन पॉइंट्स है वो थोड़े से हम वापस एक बार बता देते हैं. ये स्क्रीनिंग में सबसे कॉमन हम लोग पेप टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मालिटी आती है तो वी ऑलवेज एडवाइज फॉर रिपीट पेप टेस्ट आफ्टर. स्क्रीनिंग में जो मेथड है, मेन जो मेथड है वो पेप टेस्ट है, मेन पेप टेस्ट. मैं वही आपको बताना या मेन पेप टेस्ट है जी. अभी मैंने आपको शुरुआत में यामिनी बताया कि सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर विच कैन बी डिटेक्टेड अर्लियर एज वेल एज विच इज प्रिवेंटेबल जी. तो प्रिवेंटेबल इन विच वे दैट आई विल लेट यू नो जी. के सर्वाइकल कैंसर के जो HPV वायरस के इन्फेक्शन से जो होता है जी. तो उसमें उसके अगेंस्ट में वैक्सीन निकली है जी.
जी हाँ, जैसे मैं अभी बच्चों आपको को। पूछने ही हाँ वाली थी क्योंकि वैक्सीन आजकल सबके दिमाग में वैक्सीन चढ़ी हुई या राइट है एग्जैक्टली कि ये वैक्सीन लो ये वैक्सीन, लेकिन बट अभी तो फिलहाल कोरोना की वैक्सीन सबके दिमाग में है। बट बराबर हम आज जो बात कर रहे हैं वो है हमारी ये कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैंसर वीक चल रहा है, उसके अवेयरनेस के अंतर्गत ये शो भी हमने रखा है और बात कर रही है सर्वाइकल कैंसर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये महिलाओं के लिए। तो हम इसकी बात करेंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी है और उसके बारे में भी हमें मैम बताएगी कि क्या है ये। ऐसा हमने पहले आपको बताया कि जी सर्वाइकल कैंसर में मोस्ट ऑफ द केसेस एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन से होता है। जी तो ये एचपीवी वायरस जो है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन निकली है। जी जैसे छोटे बच्चों को हम पोलियो त्रिगुणी वगैरह वैक्सीन देते हैं, जी उसी जी तरह लड़की 10 साल की होए तब से हम ये वैक्सीन उसको दे सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दो प्रकार की आती है, एक बाइवेलेंट आती है और एक क्वाड्रीवेलेंट आती है। उसमें दो प्रकार के उसके जो टाइप्स है वायरस के उसके इफेक्ट होती है, और जी जो क्वाड्रीवेलेंट है वो 4 प्रकार के वायरस टाइप्स पे इफेक्ट देती है। अभी ये जो वैक्सीन है जी वो सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ दूसरे कैंसर में भी हेल्प करती है, जी जैसे योनि मार्ग का कैंसर, वजाइनल वार्ट्स और कोलोन कैंसर, उसके ऊपर भी उसकी इफ़ेक्ट है। जी अभी हम अपने अपने देश में तो सेक्सुअली लोगों इतने जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं, जी बट फॉरेन कंट्रीज़ में व्हेन द गर्ल इज़ वेरी एक्टिव सेक्सुअली जी जी फ्रॉम वेरी अर्ली एज, जी तो वी ऑलवेज एडवाइज़ के लड़की 10-15 साल की होए तब से उसको ये वैक्सीन दे जानी दे चाहिए। जानी चाहिए और अगर मान लो उसने उस टाइम मिस कर दिया, जी पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, जी तो व्हेनेवर अ गर्ल बिकम सेक्सुअली एक्टिव आफ्टर मीन्स व्हेन शी इज एंगेज्ड और शी गेट्स जी मैरिज जी मैरिड, तो उस टाइम उसको शादी से पहले ले लेना ले लेना चाहिए। चाहिए जी और अगर तभी भी रह गया जी तो यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद तुरंत हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं पोस्टनेटल पीरियड में जी तभी उनको एडवाइस देते हैं कि तब उनको ले लेना ले चाहिए, लेना चाहिए क्योंकि जी ये वैक्सीन के 3 डोजेज होते हैं। जी आज एक डोज लगाया, सेकंड डोज 2 महीने के बाद देना पड़ता है जी और थर्ड डोज उसके 4 महीने के बाद देना पड़ता है, जी यानी 6 मंथ्स में 3 डोजेज दिए जाते हैं। जी लड़की अगर 10-15 साल की लड़की को ये वैक्सीन अगर देना चाहते हैं तो उसको हम 2 डोज देंगे तो चलेगा, जी लेकिन 15 ईयर्स से 45 ईयर्स की लेडी को यूजुअली वी रेकमेंड 3 डोजेज़। और जी ये कई लोगों को ऐसा लगता होगा, टेंशन होता होगा कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, जी इससे कोई बिल्कुल परेशानी तो नहीं होती बिल्कुल है। बिल्कुल सो माय फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी सिंपल वैक्सीन, उसे अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या उसकी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं डिटेक्ट हुई ऐसी है हुई नहीं है इतनी जी कोई, जी तो सबको उसको दे सकते हैं। जी यूजुअली प्रेग्नेंट लेडी को या उसको हम नहीं देना चाहेंगे। जी 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 दोज हु आर हैविंग वेरी लो इम्यूनिटी, कि दूसरी प्रकार की ऐसे मान लो किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है और जी उसकी इम्यूनिटी वेरी डाउन है, तो जी ऐसे लोगों में देने से पहले थोड़ा सा ज़्यादातर हमको ध्यान देना पड़ता ध्यान है, जी 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 अदरवाइज इट कैन बी गिवन टू ईच एंड एवरी वूमन। वुमन और जी आई विश के ऑफकोर्स इट इज़ लिटिल बिट कॉस्टलियर एंड इट इज़ नॉट ग्रांटेड बाई गवर्नमेंट, सो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं नहीं है है उसके बारे जी में, और जी लोगों इतना लोअर मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते कर हैं। सकते हैं बट जी इट विल बी माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि जी अगर एक ड्रेस हम कम पहनेंगे या एक बार पार्लर में कम जाएंगे तो या एक बार चलेगा होटल में कम जी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन लेकिन अपनी ये हेल्थ दवा के लिए जी ये जो इतना यूजफुल वैक्सीन है, जी जी तो जी अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को जरूर लगवा जरूरी लेना बहुत ज़रूरी जी। है। इससे मतलब अगर ये वैक्सीन की हम जो बात कर रहे हैं वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि कोरोना की वैक्सीन, क्योंकि आजकल राइट अभी जो माहौल चल रहा है सबको ऐसा ही लगेगा वैक्सीन एक ही मिलती है, अभी कोरोना की वैक्सीन ही मिलती है। तो राइट हम जो बात कर रहे हैं वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की बात करते हैं, और जिस तरह से मैम ने बताया कि अगर हम ये सर्वाइकल कैंसर से बचना चाहते हैं तो ये वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, नीड है। अगर आप ये ज़रूरी है तो ज़रूर करवानी चाहिए, लगवानी चाहिए।
और काफ़ी सारे हमारे सूरत के लोग इतने मतलब खाने पीने में भी बहुत है मशहूर, आगे है। आगे है। तो फिर ये बात ज़रूरी है कि भाई अपनी हेल्थ के लिए हमें ज़्यादा हमारी हेल्थ नहीं बिगड़े इसके लिए ये वैक्सीन लगानी ज़रूरी है, सर्वाइकल कैंसर ना हो इसके लिए बहुत सीरियस बात है ये। तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हाँ, है। अब एक पॉइंट और हाँ बताना जी चाहूंगी जी जी कि ये बताइए। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो है उसमें अमुक प्रकार के एचपीवी वायरस के टाइप्स के अगेंस्ट में ये है। तो जी ऐसा नहीं है कि एक बार वैक्सीन लगा ली फिर कभी चेकअप ही नहीं करवाओ। ओ तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाने के बाद भी जी आपको रूटीन चेकअप तो कराना ही चाहिए। चाहिए जी और ऐसा है कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जी क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स, ये सर्वाइकल कैंसर के तो ठीक है कि हमको पता है कि ये एचपीवी वायरस का एक इन्फेक्शन, उसका एक परिबल है, पर जी बहुत सारे दूसरे अलग भी वजह से भी कैंसर होते हैं। उसमें एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन एक मेन इन्फेक्शन है, जी तो उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा न्यूट्रिशियस अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, जी स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, जी पुष्कर पानी पियो, जी वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा अपने आहार में लो, जी जंक फूड कम खाओ और अपनी सिडेंटरी लाइफ, बैठाड़ू जीवन बोलते हैं, जी उसमें से बाहर आओ। जी 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 तो खुली हवा में कुछ नहीं तो सुबह में थोड़ा सा वॉक करो, जी अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए अपनी हॉबी डेवलप करो, या तो थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करो। ऑल दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू जी अ वूमन। जी 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 और हमारी जो इंडियन मेनोपोज सोसाइटी है उसका एक मेन मोटो और मेन स्लोगन यही है, फिट जी एट 40, स्ट्रांग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। वाह क्या और बात है हमने इसको और इलेबोरेट किया है, जी फिट एट 40, फैंसी एट 50, स्ट्रांग एट 60, हाँ सेक्सी एट 70, इंडिपेंडेंट एट 80, नॉटी एट 90 एंड हेल्दी वाह एट 100। वाह वाह सो क्या हम बात है चाहते हैं कि हर महिला जी 100 साल तक अच्छी अच्छी जिंदगी जिंदगी जिए, जिए जी जी और जी उसके लिए ये एक कैंसर से प्रिवेंशन के लिए उसको अपने जी लिए क्या ध्यान देना चाहिए, वो एक आपको मैंने जी ये जानकारी मैम आपने बहुत ही अच्छी दी है। हमारे दर्शक आज ये शो देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी सारे मन में जो क्वेश्चंस होंगे, मन में प्रश्न होंगे, वो काफ़ी दूर भी आज हुए होंगे। और मैम लास्ट में जाते जाते एक हमारे दर्शकों को संदेश देना है कि अभी जो हेल्थ अवेयरनेस सीरीज हम चला रहे हैं और ये कैंसर वीक है, तो हम महिलाओं की बात आज की है, लेकिन ओवरऑल दर्शक के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। या अभी ये जो मंडे को यानी 8 तारीख को जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जी तो हम मेरा यही सबको एक संदेश होगा कि हम लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। तो 40 के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी हेल्थ के लिए पूरा अवेयरनेस रखो। जी हर साल हम आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, सबकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, कोई अपना शॉप हो तो अपनी ऑफिस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो। उसी तरह हर साल एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना रूटीन चेकअप करवाइए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाइए, अपना पैप टेस्ट करवाइए इफ़ यू आर अबाउट द एज ऑफ 35-40। एक सोनोग्राफी भी कराना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो अपनी अगल नेक्स्ट सीरीज में जो हम दूसरे कैंसर के बारे में जानकारी देंगे उस टाइम डिटेल में जी बताएंगे। जी लेकिन और अपना रूटीन जो ब्लड के जो चेकअप होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन आपका कितना है, आपका शुगर लेवल कैसा है, आपका थायराइड प्रोफाइल कैसा है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, वगैरह वगैरह, एटलीस्ट वंस इन ईयर चेक करवाइए। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसके लिए पूरा ध्यान दीजिए, अपने खुराक में पूरा ध्यान दीजिए, अपनी अच्छी नींद आपको मिले, अच्छी साउंड स्लीप मिले, उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत छोड़िए। जी जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और एस जो हेल्थ सीरीज़ में नेक्स्ट फ्राइडे को हब कैंसर वीक चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हमने सीरीज़ में नेक्स्ट फ्राइडे को हम यही 9 PM को वापस फेसबुक लाइव पे आ जाएंगे, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो ये सब जानकारी हम वापस अनीता जी और हमारे साथ शायद कोई और भी जुड़े तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम ऐसे वापस मिलेंगे हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ में। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकॉन, एंड हमारी ऑल भी सोशल साइट्स है, वेबसाइट पे भी जाके आप शो हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है हम, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा कि आपको वहाँ पे भी अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को वापस ब्रेस्ट कैंसर की जो बातें हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहा है ज़्यादातर महिलाओं में, तो उसी के लिए जानकारी देने के लिए हम वापस उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।